ट आदिल थोच नहीं सकते कि मेरा ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है कब प्रोजेक्ट आ रहा है सो वी आर डूइंग गुड फिल्म गुड वीडियोज गुड एल्बम्स गुड वेब सीरीज टुगेदर एंड सबसे ज्यादा आदिल उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज आदिल उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है मैसूर भी बहुत खुश होगा मैसूर बैंगलोर एंड uh, आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं शायद आप सबको पता नहीं है आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे कुछ भी नहीं था छः हज़ार थे कि चार सौ थे सिक्स थाउजेंड थे इंस्टा पे कूड यू बिलीव के विद इन आ फोर मंथ फोर मंथ फाइव मंथ फाइव मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए कितने फैंस हो गए हैं आदिल के वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आई एम सो हैपी के अभी फ़िलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है आई एम ग्लैड के आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने ही इज़ अ गुड बिजनेस मैन नंबर वन बिजनेस मैन बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई मुझसे मिलाया कैसे हव ही कैमरे के सामने आए बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है ओ माई गॉड इट्स नॉट ईजी लाइफ में इट्स नॉट ईजी कहते हैं न कि आप बिल्डिंग बनाना ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है बहुत मेहनत है तो आदिल की फ़र्स्ट जर्नी है ये और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया है हर वो तो मैं बहुत था एक्चुअली जो ए बी बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे वो राखी के गाने के लिए गए थे उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है कुछ पता नहीं था देन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया सिर्फ सिक्स टू सेवन डेज की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है एक्टिंग सिखाया बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके मेरा मेकअप से देख के हेयर स्टाइल से देख के हर चीज़ हर चीज़ मेरे कपड़ों में हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट था कि सुबह जब ये आए वैनिटी वैन में गए यू वॉज सो हैप्पी मेकअप पहली बार कराना सो हैप्पी कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया हेयर स्टाइल कपड़े पहन के यू फॉर शॉर्ट दिया यू वॉज सो हैप्पी अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया अब मेरा सीन एक विलन के साथ जो डायरेक्टर रहता फिल्म में जो र, र, कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है आप राखी को लो शी इज़ अमेजिंग तो आ, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ मैं आदिल को स्टार बना दूंगा ऐसा डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं <laughs> थोड़े टहल के डायरेक्टर्स होते हैं सब नहीं होते हैं आम की पेटी में एक दो आम खराब होते हैं लेकिन फिर वो तो वो उस आम को फेंक दिया जाता है तो एक ये ऐसा खराब आम था तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा ऐसा वो स्टोरी में रहता है लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है आदिल सडनली वो आ, आ, मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए बट मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर के हर बातों में आ, आ जाती हूँ हाँ हाँ लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है वॉट इज शी डूइंग तो उसका दिल टूट जाता है फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना वो रियल सेट पर भी हुआ है <laughs> कि जब इनके सीन हो गए खुशी खुशी बहुत खुश थे और सडनली मेरे सीन हो रहे थे वो सामने ही बैठे ही क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था मुझे भी सेट पे ही पता चला तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन आ, हुए जो आधे तो कट गए हैं वो नहीं रख सकते थे थोड़े बहुत रखे ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमें एंड फिर आदिल जो आग बबूला हो गए भड़क गए ये तुम क्या कर रही हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ये तुम क्या कर रहे हो मैंने कहा ये एक्टिंग है ये हर हीरोइन को बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता चाहे उसका खुद का आ, भाई क्यों ना हो यू you नो know? उस टाइप का अगर आप एक्टर हैं तो वो एक्टिंग एक्टर में वो करना पड़ता फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो एंड इज सो पॉजिटिव फॉर मी आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने हैं उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है नाउ यू गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये कर ये कर लो, मेरे घर में तीन बैग भर के कपड़े आए थे उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे पूरे कपड़े वो उतने सिलेक्ट हुए दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं ये भी आज मैंने गाउन पहना है इतना भी मुझे अलाउड नहीं है पर, आ, हाँ राख, पापा हाँ एक और oh my God. <laughs> नीचे टाच नहीं लेके बैठे हैं देखो दिखाओ फेंक दिया इन्होंने ऐसे चुबाते हैं तो आ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ चिबाते देखो, देखो 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 पापा दिखा ना पापा दिखा लग लग जाएगा मत करो ना लग जाएगा सो हाँ रिस्ट्रिक्स है बिल्कुल भी आई कॉन्ट वेयर ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इन टू बॉलीवुड थोड़ा बहुत नहीं उनको वो वट एवर इट्स नॉट नहीं चाहिए डोंगा तो <laughs> 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 वो राखी अच्छा अच्छा आपने ये नहीं बोला पापा करके लास्ट में अच्छा देखो रिविलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी फैले कपड़े पहनते थे आपने नोटिस किया होगा वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं नहीं ये बहुत डिसेंट है क्या बट आपने सेलेक्ट नहीं किए मैंने अलाउ तो किया ना हाँ बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना तो एंड टाइम पे बारह हज़ार रुपये देकर खरीदना पड़ा एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया थैंक यू खरीद के दिया किसने एक एक कुछ कहना चाह रहे हैं जी बोलिए नहीं बोल रहा था खरीद के किसने दिया राखी को बोल रहा था हाँ, हाँ, गूगल पे चला नहीं उस वक्त क्या सवाल दैट तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहन रहे अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावन बदल गई है नहीं आई एम मोर हैप्पी जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग की है जनता उससे काफ़ी खुश है और ठीक है जब तक जनता खुश है ठीक है बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे जब एक शॉर्ट ड्रेस दि, दि, दिखता है मुझे तो मैं रो पढ़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊंगी मैं रो पढ़ती हूँ मैं कभी कभी ड्रेस को कभी आदिल को कभी ड्रेस को कभी आदिल को देखती हूँ और तू तु मेरे तुम मैं तुझे पहनने के लायक नहीं <laughs> ड्रेस को मैं कहती हूँ फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है सर कपड़े कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं नो डाउट ओके आई एब्सोल्युटली एग्री नो डाउट सी आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड सो थोड़ी चीज़ें ऐसे भी होते हैं सर so, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो आई कम फ्रॉम ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं तो थोड़े कपड़े कपड़ों के लिए देर इज अ लॉड ऑफ रेस्ट्रिक्स एक्चुअली स्पीकिंग पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे इट वॉज मोर रिवीलिंग आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज़ इन हिजाब और बुरका देखो राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज वॉट इट इज एंड शी शी इज लाइकिंग टू चेंज यू कैन आस्क हर सिटिंग वेरी नेक्स्ट या बिकॉज आई वॉन्ट यू या बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ हाँ बिकॉज वो हम मेरे मैं मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है मैं राखी राखी ही हूँ कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है एंड uh, किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने इनफ नाउ इज चेंज टाइम टू चेंज एंड जनता भी पसंद कर रही है